ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है। बिल्कुल आपने सही थंबनेल देखा कि आपका सही वक्त आने वाला है। हम बहुत दिनों से जब परेशान होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, हम बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जीवन में ऐसी हम फेस कर रहे हैं जिनके बारे में शायद हमने कभी भविष्य में नहीं सोचा था, लेकिन उन चीज़ों को हम अभी वर्तमान में फेस कर रहे हैं। और इन बुरे हालातों से हम कैसे बाहर आए और इन बुरे हालातों से हम किस तरह से बहुत जल्दी और बहुत ही जल्दी सकारात्मक वे में ये तुरंत चीज़ें सब खत्म हो और हम बाहर आए। अगर आप ये चाहते हैं तो मेरी सिर्फ कुछ बातें आपको अपने जीवन में अमल करना है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपका बहुत ही वक्त जो है सही वक्त में तब्दील हो जाएगा। हम जब भी इस तरह के बुरे हालातों में चलते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी घर कर लेती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और हम खुद को बहुत कम महत्व देते हैं। तो सबसे पहली बात, आप खुद को महत्वपूर्ण समझें, अपने आप को कमज़ोर मत समझें, अपने आप में आत्मविश्वास जगाए रखें, क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और उससे बड़ी इस दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है जो आपको इन हालातों से बाहर निकालने में मदद करेगा। लेकिन दूसरी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों के नज़रिए से खुद को कभी ऑब्जर्व ना करें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो क्या कहेंगे, हमें इन चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है, वो लोगों के लिए ही आप छोड़ दें। क्योंकि अगर उन चीज़ों का भी भार आप लेके चलेंगे तो आप बुरे हालातों से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तीसरी बात है, कभी भी अपने आप को खाली न रखें, कुछ न कुछ छोटा बड़ा काम करते रहें, क्योंकि काम करने से हम चलायमान होते हैं और पृथ्वी का नियम है कि हम जितने चलायमान रहेंगे उतनी जल्दी चीज़ों से बाहर आएंगे। खुद को खाली नहीं रखना है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपकी मेंटालिटी को पॉजिटिव रखना है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना उतनी चीज़ें आपके साथ पॉजिटिव होंगी, आप जितना नेगेटिव होंगे उतनी सारी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव होंगी। ये बिल्कुल फैक्ट है, आप अपने जीवन में अनुभव से कर लीजिए, क्योंकि आज तक आप नेगेटिव सोचते हैं आपके साथ सब चीज़ें नेगेटिव है, तो क्यों ना आज से एक बदलाव किया जाए। आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, हाँ सब ठीक होगा, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ और चीज़ों में इन चीज़ों से मैं उभर कर बाहर आऊँगी। जब आप ये स्थिति रखेंगे ना दोस्तों, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप यहाँ तक वीडियो को सुनता है, आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, हर हर शंभो लिखे, जय शंभो लिखे, जो आपका नाम है वो लिखे। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं, कोई तकलीफ या परेशान या तनाव या डिप्रेशन में आप गुजर रहे हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आए, फ़ोन तो बंद है दोस्तों, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़े, मैं वहाँ से आपसे बात कर लूँगा, जन्म तारीख जन्म समय बताएं, उसका फीस लागू है दोस्तों। इसके अलावा है गुरु मंत्र, अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें, किसी के पास नहीं है तो ओम नमः शिवाय को अपना गुरु मंत्र माने और अपने मन में बिना बताए मन में इसका जाप करना शुरू करें। इसके परिणाम आपको आने वाले 10 दिन 12 दिनों में खुद दिखाई देने लगेंगे और आप एक इतने सारी जो नकारात्मकता है ना, इसमें से तुरंत बाहर आके सब कुछ सकारात्मक बदलाव आपको दिखाई देगा। ओम नमः शिवाय।